नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंद्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं हमारी आज की विशेष खबर पर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बदलाव लाया है। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई से यात्रियों की काफ़ी सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के IRCTC ने रिजर्वेशन सिस्टम में एक बहुत अच्छा बदलाव लाया है, जिसके चलते यात्री लोग उसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो जो तत्काल टिकट होते थे उसके कैंसलेशन में यात्रियों को 50% रिफंड मिलने की सुविधा है। फिलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। साथ ही में तत्काल टिकट के बुकिंग के नियमों को भी बदलाव दिया गया है। जैसे कि AC कोच का तत्काल टिकट बुकिंग का समय सुबह 10 से 11 होगा। नॉन AC का जो स्लीपर होता है उनके तत्काल टिकट के लिए लोगों को सुबह 11 से 12 का समय मिलेगा। साथ ही में जो वेटिंग लिस्ट थी उसको हटा दिया गया है और सिर्फ कंफर्म और RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन कोटा होता है, जैसे कि लोग अपनी टिकट कैंसिल करते हैं उसके बाद में RAC वालों को दिया जाता है, वही टिकट बुकिंग हो सकेंगी। वेटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। साथ साथ राजधानी और शताब्दी के कोचेस को भी बढ़ा दिया जाएगा और उन ट्रेनों में सिर्फ मोबाइल टिकट ही चलेंगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेपरलेस टिकट का उपयोग किया जाएगा। बुकिंग वेबसाइट जो कि www.irctc.co.in है, ये भी वेबसाइट लगभग 15 से ज़्यादा भारतीय भाषा में उपलब्ध होगी। सारे प्रीमियम गाड़ियों को रद्द कर दिया जाएगा। सुविधा ट्रेन की टिकट के कैंसिलेशन पर भी 50% रिफंड मिलने का पूरा के पूरा सरकार ने लोगों को फ़ायदा दिया है, जो कि अभी नहीं मिलता है। और साथ ही में प्रवासियों को जो कि पैसेंजर होते हैं उनके स्टेशन आने पर रेलवे की तरफ से कॉल करके उठाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये अहम कदम भारतीय रेलवे ने उठाया है और 1 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत होगी, सूत्रों अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि यात्री किस तरीके से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं या फिर से वही टिकट बुकिंग के एजेंट लोग अपने काम में लगे रहेंगे और यात्रियों को टिकट नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।